अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बता दें कि इस समय पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लेकिन इस बीच लोनी विधायक नंदकिशोर गुज्जर का एक विवादित बयान सामने आया है। दरअसल विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने कहा कि लोनी में बिना पुलिस को सूचित कर और अनुमति लिए यदि कोई भी व्यक्ति बाहर निकला तो पुलिस ऐसे व्यक्ति की टांग में गोली मार दे। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी समेत कई इलाकों में भीड़ भाड़ बिना वजह इकट्ठा है। साथ ही कहा कि गोली मारने वाले जवान को नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की बात कही। लोनी विधानसभा के भाइयों और बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने जो लॉकडाउन के लिए कहा है 21 दिन के लिए, हम उसका पालन करें। लगातार मैंने देखा कल तक लोगों ने पालन किया है, देहात में आज भी लोग अपने घरों के अंदर हैं और अपने घर के अंदर रह रहे हैं, कहीं कोई भीड़ नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। लेकिन लॉनी की कई जगह से वीडियो आई है कि लोग 200-200, 500-500 लोग इकट्ठे होकर के और बिना कारण घूम रहे हैं, और इस तरह की स्थिति में क्योंकि लॉनी के अंदर 16 लाख आबादी है और बहुत ज़्यादा नगरपालिका के अंदर भीड़ है, एक एक घर में 30-30 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ लोग बाहर जा रहे हैं और आ रहे हैं। और कुछ सब्जी मंडी की जो सूचनाएँ हैं, दिल्ली के लोग सब्जी मंडी आ रहे हैं, और अगर कोई भी संक्रमित मरीज कहीं किसी के संपर्क में आया तो लॉनी को संभालना मुश्किल होगा। कि पुलिस ऐसे लोगों की टांग में गोली मारने का काम करे, ये भी देशभक्ति का काम होगा। ये लोग जो ऐसे राष्ट्रद्रोही लोग हैं, मानने वाले नहीं हैं, और जो जिनको गोली मारने का काम जो पुलिस वाले करेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि उनके लिए पत्र भी लिखेंगे कि उनको प्रमोशन दिया जाए ऐसे सिपाहियों को जो अपनी परिवार को जयपुर में आपने देखा होगा संकट में डाल करके जो जूझ रहे हैं, उसके बाद भी कुछ लोग वाहियात हरकत करते हुए सड़क पर अगर घूमते हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। इससे ज़्यादा राष्ट्र के लिए कुछ नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके लोगों से अपील कर रहे हैं और हम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है। इसलिए जो ऐसे लोग हैं, बहुत कम अराजक तत्व लोग ऐसे हैं, 16 लाख आबादी में ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 लोग होंगे, उनकी हमें कोई चिंता नहीं है। इसलिए मेरा दोबारा हाथ जोड़ के निवेदन है, तो अपने घरों में रहें और पुलिस सख्ती के साथ इनके साथ निपटे और सीधा गोली मारने का काम करे टांग में।